शुरुआत करते हैं यहां पर सबसे पहले इंडिया वर्सेस इंग्लैंड मैच की वेदर रिपोर्ट से, क्योंकि बारिश जो है वो खेल बिगाड़ती हुई यहां पर नजर आ रही है। एक दिन पहले यानी कि 26 तारीख को भी गयाना में लगातार बारिश हो रही है और काफी ज्यादा सड़कों पर पानी भी जमा हो गया है। आउटफील्ड में स्टेडियम की भी काफी ज्यादा पानी जमा हो गया है, जो देखकर ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड को तैयार करने में यहां पर काफी ज्यादा वक्त भी लग सकता है। ग्राउंड को तैयार होने में अगर वक्त लगेगा तो उसके लिए बारिश का पहले रुकना जरूरी है। अगर बारिश ही नहीं रुकेगी तो ऐसे में ग्राउंड स्टाफ उसको कैसे तैयार करेगा। हालांकि अभी 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बचा हुआ है, ग्राउंड को आसानी से तैयार किया जा सकता है अगर बारिश रुकती है तो। लेकिन मैच के दौरान भी 88% बारिश की आशंका है, 88% रेन चांसेस है और बारिश जो है वो खलल डालती हुई नजर आ सकती है। इस मुकाबले के लिए हालांकि कोई रिजर्व डे नहीं है, अगले दिन मुकाबला नहीं खेला जा सकता, उसी दिन ही आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। लेकिन 4 अतिरिक्त घंटे यहां पर दिए जाएंगे मैच को पूरा करवाने के लिए, यानी कि अगर मैच देरी से भी शुरू होता है 4 घंटे तो उसे वहां पर भी शुरू करवा दिया जाएगा। लेकिन मिनिमम 10-10 ओवर्स दोनों टीमों के खेलने यहां पर जरूरी है। 10 ओवर्स से कम पर साइड का मैच यहां पर नहीं करवाया जा सकता, जिस वजह से मैच होने की जो उम्मीद है वो काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। 88% रेन चांसेस और उसके ऊपर से यहां पर लगातार पहले भी बारिश हो रही है और 4 घंटे का एक अतिरिक्त समय लेने के बाद भी 10-10 ओवर्स का गेम कम से कम यहां पर करवाना जरूरी है।